हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। लॉकडाउन बढ़ने के बाद हरोली में प्रशासन द्वारा सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। कर्फ्यू में ढील के दौरान भी लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। SDM हरोली गौरव चौधरी ने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए पंजाब बॉर्डरों पर पुलिस प्रशासन बखूबी कार्य कर रहा है। वहीं हरोली में 4 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें लोगों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 3 मई तक इसी प्रकार से कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि इस प्रक्रिया में प्रशासन का साथ दें व घर में सुरक्षित रहें। सर, जैसे कि 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया है, उसके लिए हरोली एरिया में आपकी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए? कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है और अब तक जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो भी हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। 7 से 10 तक जो छूट मिली है राशन की दुकान को खोलने के लिए, सब्जी की दुकान को खोलने के लिए, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के सारी जो नियम है उसका पालना की जा रही है। और हम पूरी तरह से संकल्प हैं कि 3 तारीख तक, 3 मई तक इसको हम पूरी तरह से लागू करें। जी, हरोली एरिया में सर कितने क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं? हरोली में हम लोगों ने 3 जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। एक किसी कॉलेज फंडोगा पालकवा में और बर्थों में, एक आइसोलेशन सेंटर है खड़ी। ओके सर, उसमें पता है आपको कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं अभी तक? नंबर एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे क्वारंटाइन पीरियड उनका कंप्लीट हो रहा है 14 डेज हम रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो सर बॉर्डर एरिया पर आपने कुछ ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई है अभी? ऑब्वियसली जो बॉर्डर एरियाज हैं, सेंसिटिव है ये एरिया, तो लगभग 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हरोली सबडिवीजन की पंजाब के साथ बाउंड्री लगती है, तो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था हमने पूरी तरह चौकस करके रखी है और पुलिस इसमें पूरा अपना सहयोग दे रही है प्रशासन का। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए हरोली से दीक्षा बैंस।